एक घटना हुई है जिससे बिहार जल रहा है और एक सियासी कुसंस्कार है जो पूरे देश को छल रहा है। आज हम दोनों मुद्दों पर बात करेंगे क्योंकि अपने राज्य को भी देखना है और मुल्क को भी देखना है। आखिर हमारी भावी पीढ़ियों के लिए दोनों को बचाना और संवारना जरूरी है। बिहार में ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या और उसके बाद के दो दिनों में सरकार का जो व्यवहार रहा है उससे लगता है कि हाथी की तरह सरकार के भी दो तरह के दांत होते हैं, एक खाने के और एक दिखाने के। मन में उसके कुछ होता है और लोगों को दिखाना वो कुछ और चाहती है। अगर ऐसा नहीं होता तो यह सवाल पूछा जा सकता है कि मुखिया की हत्या के बाद पहले दिन आरा में और दूसरे दिन पटना में हुड़दंगियों को खुली छूट देकर सरकार ने जनता में क्या संदेश देने की कोशिश की। यही ना कि एक हत्या हुई है जिसके बाद लोगों की भावनाएं आहत हैं और ऐसे गमगीन माहौल में लोगों के गुस्से को वो समझती है और इसलिए वह धैर्य की मिसाल पेश कर रही है। अगर सरकार सचमुच इतनी संवेदनशील है तो तीन दिन हो चुके हैं, हत्या किसने की और क्यों की इस पर से पर्दा उठाने के लिए भी उसे कुछ तो करता हुआ दिखाई देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। जब राज्य के विरोधी दल ही नहीं सत्तारूढ़ गठबंधन के दल भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो सरकार को सीबीआई जांच की सिफारिश करने में क्या समस्या है? क्या वो इस बात से डर रही है कि कहीं उसके किसी नेता का नाम ना आ जाए, जैसा कि ब्रह्मेश्वर मुखिया के परिजनों से इशारा मिला है? और फिर अब तक सरकार की तरफ से इस बात का भी तो जवाब नहीं मिला है कि आखिर किस अति भावुक और अति विवेकी महापुरुष ने मुखिया की शव यात्रा को सड़क के रास्ते जुलूस की शक्ल में आरा से पटना लाए जाने की इजाजत दी। कई लोग डीजीपी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इतना बड़ा फैसला अकेले डीजीपी ने तो बिल्कुल नहीं लिया होगा, एक बार उन्होंने मुख्यमंत्री से भी जरूर पूछा होगा। तो क्या मुख्यमंत्री भी उसी अति भावुक और अति विवेकी महापुरुष की श्रेणी में आते हैं कि उन्हें इस बात का इल्म तक नहीं हो पाया कि अगर शव यात्रा इस तरह से आएगी तो पटना में क्या क्या हो सकता है? और अगर उन्हें इल्म था तो किस राजनीतिक मजबूरी में ऐसा फैसला लिया गया? क्या पहली बार उन्होंने अपने गठबंधन के सहयोगियों के सामने घुटने टेके, या फिर सत्तारूढ़ गठबंधन के दोनों दलों की यह सोच बनी कि इस मुद्दे पर जातीय ध्रुवीकरण कर राजनीतिक फायदा उठाया जा सकता है? दूसरा मुद्दा है रामदेव और अन्ना के साथ आने का, लेकिन अरविंद केजरीवाल के द्वारा कुछ लोगों के नाम लिए जाने पर रामदेव ने जिस तरह प्रतिक्रिया जाहिर की उससे लगता नहीं कि यह गठबंधन भी राजनीतिक दलों के गठबंधन से अलग चरित्र रखता है। साफ है कि टीम अन्ना का अपना एजेंडा है और रामदेव का अपना एजेंडा, और अगर दोनों को साथ चलना है तो उन्हें भी राजनीतिक दलों के गठबंधन की तरह कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर चलना होगा और अपने अपने मुद्दों और तेवरों पर समझौते करने होंगे।